क्या कहा आपने, इसे पहचान लिया कि ये क्या है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इसे यूज़ करने का वो तरीका नहीं पता है जो आज मैं बता रही हूँ। उस तरीके से यूज़ करके आप इसे देखिएगा, आपके हेल्थ की सैकड़ों प्रॉब्लम्स दूर होंगी, आपके ब्यूटी के स्किन हो, हेयर्स के किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। वो भी एक नहीं, छह ऐसे एक से एक बढ़कर तरीके में बता रही हूँ। आसान घरेलू उपाय में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं एक ब्यूटिशियन होने के साथ साथ एक वैद्य हूँ। आपको लेना है अजवाइन। अजवाइन को आपको इस तरीके से यूज नहीं करना है, इसका पाउडर तैयार कर लेना है। मिक्सी में इसका पाउडर मैं तैयार कर लेती हूँ। बड़े बर्तन में मैं डाल रही हूँ 1 ग्लास पानी और 1 स्पून के करीब इसमें अजवाइन का पाउडर ऐड कर देना है और 1/2 स्पून के करीब इसमें काला नमक आप डाल दीजिए। करीब करीब 1 स्पून के करीब ही मैं इसमें लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और आइस ट्रे में इसे आपको अच्छी तरह से आइस तैयार कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है और घरेलू नुस्खों के साथ हेल्थ और ब्यूटी के प्रॉब्लम को दूर करना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। जब आपका आइस तैयार हो जाए तो आप जब डेली गर्मियों में, तो आपको लगभग 1 से 2 बार तो जरूर इसे यूज करना है। पीने वाले पानी में आप 1 आइस क्यूब डाल दीजिए और इसी पानी को पीजिए। गर्मियों में होने वाले अपच, गैस या बदहजमी से आपको राहत मिलेगी और गर्मियों में जो हमें उल्टी जैसी महसूस होती है या फिर हमारे पेट में गर्मी हो जाता है, सर में दर्द होता है, इन सारी चीज़ों से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। गर्मियों में हमारे घरों में आइस क्यूब तो होता ही है, आपको ले लेना है आइस क्यूब और उसे एक प्लास्टिक के बैग में डालकर उसके बाद अपने फेस पर रखना है। थोड़े देर रखना है, जितना आपसे बर्दाश्त हो सके उसके बाद हटा दीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद रखना है। इस तरीके से आपको इस ठंडी सेक से अपने फेस पर एक फेशियल करना है। इस आइस फेशियल से आप देखिएगा कि आपके फेस पर एक अलग सा ग्लो देखने को मिलेगा। किसी एयर टाइटनर बैग प्लास्टिक की हो तो उसमें डाल दीजिए आप थोड़े से आइस क्यूब और इसी से आपको अपने सिर पर ठंडी सिकाई करनी है। जबकि आपके सिर पर किसी तरह का दर्द हो, माइग्रेन तक के दर्द को ये ठीक करता है। आप थोड़े देर अपने सिर पर रखिए, फिर इसे हटा दीजिए, फिर आप रखिए। इस तरीके से बार बार आपको करना है, 4 से 5 बार आप करेंगे तो आप देखिएगा आपके सिर के दर्द में तुरंत राहत मिलेगी। सारी टिप्स देखिए, लेकिन कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1/2 कटोरी राइस मैं ले रही हूँ एक बड़े बर्तन में। 1 ग्लास पानी इसमें मिक्स कीजिए और इसे बॉयल कीजिए। थोड़ी देर आप बॉयल करेंगे तो ये एक जेल जैसा तैयार होने लगेगा। थोड़ी देर के बाद आप गैस को ऑफ करके इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए। इस राइस वाटर को आपको छान लेना है। अब इसमें मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ एलोवेरा जेल। ये मैंने फ्रेश एलोवेरा लिया है। आप चाहे तो मार्केट का भी एलोवेरा जेल इसमें यूज कर सकती हैं। 2 से 3 स्पून के करीब है मेरे पास एलोवेरा जेल, मैं इसी राइस वाटर में मिक्स कर देती हूँ। 1 स्पून इसमें डालना है कोकोनट ऑयल और 1 स्पून के करीब ही इसमें मिक्स करना है कॉफी पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, इसे आइस तैयार कर लीजिए। जब ये आइस तैयार हो जाए तो फिर आपको इसी से डेली एक बार तो जरूर अपने फेस पर स्क्रब करना है। इससे होने वाले फेस पर झुर्रियां, फाइन लाइंस तो दूर होती है, स्किन टाइट होकर एक अलग सा ग्लो देखने को मिलता है। कुछ ले लीजिए आइस क्यूब और उसे एक प्लास्टिक के बैग में डाल दीजिए। अच्छी तरह से इसे एक पैड के रूप में तैयार कर लेना है और जब भी आपको घुटनों में दर्द हो या किसी भी मांसपेशियों में दर्द हो, किसी तरह की मोच आ गई हो या फिर बच्चों को जैसे खेलने वगैरह में चोट लग जाती है, तो आप इसी से सिकाई कीजिए। यकीन मानिए काफ़ी तुरंत आराम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कुकुम्बर। इसके छिलके को उतार लेना है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इससे पहले आपने कभी आइस क्यूब को किसी भी तरीके से यूज़ किया हो तो आप कमेंट करके बता सकती हैं। अब मैं ले रही हूँ 1 आलू। इसे अच्छी तरह से पहले पानी से क्लीन कर लिया है और इसके छिलके को उतार लेना है, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। आलू और खीरा दोनों को मिक्सी के जार में डालकर मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। पेस्ट तैयार होने के बाद इसे छलनी की हेल्प से या कपड़े की हेल्प से छान लीजिए। 1 स्पून के करीब इसमें आपको लेमन जूस ऐड करना है। 2 से 3 स्पून के करीब आपको इसमें दही ऐड करना है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए।
ट्रे में डालकर इसे आइस की तरह तैयार करना है। आइस क्यूब आपका बनकर तैयार हो जाए तो आपको इसे से डेली एक बार अच्छी तरह से अपने फेस पर स्क्रब करना है। 5 मिनट बस आप स्क्रब कीजिए। इसे आपके फेस पर किसी भी तरह के दाग धब्बे हो, जैसे गर्मियों में धूप से सन टैन हो जाता है, डल स्किन हो जाती है, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके दूर होने वाले हैं। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो, डार्क सर्कल हो, या फिर पफी आईज हो, या स्किन पे बहुत ज़्यादा फैट है, तो आप एक आइस क्यूब को लीजिए, 2 मिनट तक स्क्रब कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि ये सारे यूज़ करने के तरीके आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, आई होप। अगर पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसके लाभ मिल सके। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।